नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत लोग और अर्थव्यवस्था की, और उसका चैप्टर नंबर 7 हम देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम नियोजन की बात करते हुए भारत के वो क्षेत्र जो किसी न किसी रूप से, चाहे वो अतिवृष्टि हो, चाहे वो अनावृष्टि हो, या फिर सूखा की वजह से, या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो जनजाति के लोग हैं वो किसी ना किसी कारणवश आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज तक डेवलप नहीं हुए हैं, तो उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनके सुधार को लेकर हम नई नई योजनाएं जो भारत सरकार है वो बनाती है। और नीति आयोग के बारे में हमने पढ़ा, 1 जनवरी 2015 से जो योजना आयोग हुआ करता था उसका नाम बदलकर नीति आयोग बना दिया, वो यहाँ योजनाएं लगाया करता है और नीति आयोग के तहत ही ये योजनाएं जो है ये पालन करवाई जाती हैं। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम ऐसी एक और योजना को देखेंगे इस लेक्चर नंबर 3 में। जो योजना हम पढ़ने वाले हैं उस योजना का नाम है भरमौर क्षेत्र। क्या नाम है? भरमौर क्षेत्र। आज इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। ये एक पर्यटन क्षेत्र भी है, फिर भी यहाँ के लोग इतने विकसित नहीं हो पाए आज तक, तो यहाँ जनजाति के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस भरमौर क्षेत्र की पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। नीति आयोग बार बार ऐसे प्लान निकालता रहता है कि इन क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए। तो इन क्षेत्रों में विकास करने के लिए नीति आयोग, जिसमें 5 लोग होते हैं मुख्यली, जैसे कि डॉक्टर सुमन बेरी, हमने देखा था कि इसकी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, उसके अलावा भारत सरकार के काफ़ी मंत्री इसमें, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र तोमर, निर्मला सीतारमण जी ना, जो भारत के वित्त मंत्री हैं, तो नरेंद्र तोमर जैसे लोग आदि लोग इसके अंदर साथ रहकर इस गतिविधियां जो होती है इस क्षेत्र का विकास करने की, चाहे वो पर्वतीय प्रोग्राम हो, चाहे वो सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, आदि लोग बैठ के कमेटी के माध्यम से इस पे बात करते हैं। और जो क्षेत्र भारत के पिछड़ गए हैं आज़ादी के बाद भी अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो भरमौर क्षेत्र को अगर हम डिटेल से देखें और समझें तो एक एक चीज़ को आज हम देखेंगे कि भरमौर क्षेत्र क्या है, क्यों है और किस प्रकार से डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? भरमौर क्षेत्र की। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? भरमौर क्षेत्र। भरमौर क्षेत्र अच्छे से समझते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हम, है ना। पहली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैं कई बार कह चुका हूँ, क्योंकि उसमें हम पृष्ठभूमि तैयार करते हैं लेक्चर की, और जो वो पढ़ लेता है फिर उसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती उस लेक्चर से संबंधित, है ना। तो पहली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण होती है। भरमौर क्षेत्र है कहाँ? सबसे पहले स्थान, ये स्थान कहाँ है सबसे पहले ये देखते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये स्थान, ये भरमौर जो क्षेत्र है, ये किसी कारणवश पिछड़ गया और इसका विकास करने के लिए भारत सरकार योजनाएं बनाएगी, तो ये स्थान जो है किस जगह है सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः भरमौर जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? भरमौर। ये हिमाचल से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। कितना है? भरमौर, हिमाचल प्रदेश का जो भरमौर है। उसके अलावा यह एक जगह और है हिमाचल की, जिसको हम होली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होली के नाम से। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। हिमाचल प्रदेश में किस जगह? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है चुम्बा या चम्बा, ठीक है ना। चंपा एक राजधानी हुआ करती है ना, ये चंपा नहीं है, चम्बा है। क्या है? चंबा। कई जगह इसको चुम्बा लिखा हुआ रहता है, कई जगह इसको चंपा लिखा हुआ रहता है, जबकि वास्तव में एक चंपा बिहार में भी है। इसका सही नाम है चंबा और इसकी 2 तहसील है। ये तो क्या है? जिला है। इसकी 2 तहसील हैं। एक तहसील का नाम है भरमौर, जिसको हम देख रहे हैं भरमौर तहसील, और दूसरी का नाम है होली तहसील। ये 2 तहसीलें यहाँ की महत्वपूर्ण तहसीलें हैं और इन्हीं में जो कुछ भी पढ़ेंगे हम देखने वाले हैं, ये जिला है। ये क्या है? जिला। कहाँ का जिला है? हिमाचल प्रदेश का। चंबा से, हिमाचल प्रदेश के चंबा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है कौन?
भरमौर, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? भरमौर के बारे में। भरमौर की खास बात यह है कि इस भरमौर के और भी नाम हमें देखने को मिलते हैं, और उन और नामों में एक नाम हमें देखने को मिलता है ब्रह्मपुरा। क्या नाम देखने को मिलता है? ब्रह्मपुरा। और एक नाम और इसका देखने को मिलता है माचू पिचू। माचू पिचू ये दो अन्य नाम है। ये दो क्या है? अन्य नाम किसके हैं? भरमौर के। तो भरमौर जो है उसको माचू पिचू भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? माचू पिचू और ब्रह्मपुरा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ मोस्टली हम देखते हैं कि भरमौर जो क्षेत्र है यहाँ जनजाति के लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं यहाँ? इन दोनों ही तहसील में मुख्यतः जनजाति निवास करती है। कौन निवास करता है? जनजाति। जनजाति आदिवासी लोग होते हैं। आदिवासी मतलब जिन, आदिवासी का अर्थ होता है मूल स्थान। आदिवासी का अर्थ क्या होता है? मूल स्थान, यानी वो जातियां जिनका मूल स्थान वही रहा है, कभी बदला ही नहीं उन्होंने, आज तक वहीं रह रहे हैं, उसको कहते हैं आदिवासी। तो यहाँ जनजाति के लोग रहते हैं। और जनजाति में भी अगर हम बात करें तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के इस भरमौर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? भरमौर क्षेत्र में मुख्यतः जो है वो गद्दी जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? गद्दी जनजाति निवास, कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी जनजाति निवास करती है। ये जनजातियां मोस्टली देखने को मिलती है लगभग। ये जो क्षेत्र है भरमौर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? भरमौर क्षेत्र, ये 1818 किलोमीटर में फैला हुआ, 1818 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। मतलब ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। मतलब भरमौर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी कहां जरूरत पड़ गई? यानी आजादी के इतने सालों बाद भी भरमौर होली तहसील जो है, चंबा जिला जो है हिमाचल प्रदेश का, वो वास्तव में डेवलप नहीं हो पाया। वहां पर्वतों में रहने वाले जो लोग हैं आज भी विकसित नहीं हो पाए। तो गवर्नमेंट ने वहां 1975 में योजना चलाई। कब चलाई? 1975 में एक योजना चली, एक योजना चली 1975 में। जब ये यह योजना चली तो इस योजना के क्षेत्र, इस योजना के तहत इस क्षेत्र को डेवलप करने की बात हुई कि यहां पे चिकित्सा के सुधार किए जाए, खान पान का सुधार किया जाए, रहन सहन को बदला जाए, इन्हें शिक्षा दी जाए, इन्हें रोजगार दिया जाए, इन्हें स्वच्छ पानी दिया जाए, इनमें विभाग की जो एज है वो बढ़ाने की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात यहाँ साक्षरता को बढ़ाया जाए, साक्षरता को बढ़ाया जाए। कहते हैं कि जब ये योजना लगी तो यहाँ साक्षरता जो है महिलाओं की, किसकी? महिला जो साक्षरता है, महिलाओं की साक्षरता 1% थी, तो मैं यूं कहूंगा कि 1% थी। कितनी थी? मात्र 1%। लेकिन आज खुशी की बात है कि आज वर्तमान में यहाँ पे, आज की तारीख में यहाँ लगभग 64%, कितनी? 64-68 के आसपास पहुंच गई, अब तो 68 के आसपास। कितनी? 68 के आसपास यहाँ की साक्षरता है। ये दोनों चीजें क्या है? साक्षरता यहाँ देखने को मिलती है, साक्षरता यहाँ देखने को मिलती है। तो इस भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं चलेगी। सबसे पहला सवाल कि भरमौर क्षेत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा, यहाँ कौन सी जनजाति रहती है? तो गद्दी जनजाति रहती है। यहाँ योजनाएं कौन सी चली इस क्षेत्र के विकास के लिए, इन गद्दी जनजाति और आदिवासी लोगों के लिए योजनाएं चली हिमाचल प्रदेश में? वैसे हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, यहाँ ढेर सारे पर्यटन स्थल है, और हम हिमाचल प्रदेश से जब निकलना शुरू करते हैं, हिमाचल को पूरा जब क्रॉस करते हैं तो हमें लगभग 84 मंदिर देखने को मिलते हैं। यानी भरमौर जो क्षेत्र है, हिमाचल जो प्रदेश है, वो प्रसिद्ध है किस लिए? चौरासी मंदिर है। कितने मंदिर है? 84 मंदिर। और क्या खास बात है? ये जो भरमौर क्षेत्र, अकेला जो भरमौर क्षेत्र है, ये कंबल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कंबल, ओढ़ने वाली जो कंबल है, कंबल के
लिए प्रसिद्ध। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ संसाधन नहीं है, संसाधन बहुत है, लेकिन उन संसाधनों को अच्छे से काम में कैसे लिया जाए इसके लिए प्रयास हमें करना चाहिए। दूसरा, इस भरमौर क्षेत्र एप्पल जो सेम होती है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, सेम के लिए प्रसिद्ध। पूरा हिमाचल ही प्रसिद्ध है सेम के लिए प्रसिद्ध। ये दो चीज़ें यहाँ की मोस्ट रही है। 84 मंदिर यहाँ बने हुए इस पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो आज से लगभग 1400 वर्ष पुराने, कितने 1400 वर्ष पुराने हैं। कुल्लू मनाली का आपने नाम सुना होगा, है ना, वो सारी चीज़ें इस तरफ ही आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन भरमौर क्षेत्र की और भी अच्छी अच्छी बातें, यहाँ कई नदियाँ भी देखने को हमें मिलेगी, वो तो एक और बात है, लेकिन भरमौर क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही अच्छी खास बात है, उसको हम लिखे कहाँ, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। ये एकमात्र राज्य ऐसा, मोस्टली यही है, और भी कई राज्यों की हो सकती है, लेकिन मोस्टली जिसका जिक्र होता है, इसकी दो राजधानियाँ हैं, किसकी, हिमाचल प्रदेश की, इसकी। तो हिमाचल बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन फिर भी पता नहीं ये लोग कैसे पिछड़े रह गए। दो राजधानियां हैं हिमाचल प्रदेश की, कितनी राजधानियां हैं हिमाचल प्रदेश की, दो राजधानियां हैं, ठीक है ना। दो राजधानियों में पहली का नाम है शिमला, शिमला ये तो होती है कब, शिमला मतलब ठंड वाला स्थान है, और एक है धर्मशाला। एक कौन सी है, धर्मशाला, इसकी दो राजधानियां हैं धर्मशाला। अब शिमला, जैसे हम हिमाचल प्रदेश की ओर जा रहे हैं और जाते जाते हम देखते हैं कि शिमला में ठंड सा माहौल होता है, तो ठंड का माहौल होता है पूरी तरह से, तो गर्मी में ठंड की जरूरत होती है कि नहीं होती है, तो गर्मी के लिए तो इसकी ये राजधानी है, और सर्दी के लिए इसके लिए धर्मशाला है, क्योंकि सर्दी में और सर्दी बढ़ जाती है कहाँ, शिमला में। तो इसकी दो राजधानियाँ, ये भी कितनी प्यारी बात है। मोस्टली हिमाचल प्रदेश जो है उसकी दो राजधानियों का जिक्र करते हैं हम, कौन कौन सी, एक तो शिमला और दूसरी धर्मशाला। अब हिमाचल प्रदेश में ठंड के माध्यम से इस क्षेत्र को उसी हिसाब से रखा जाता है जैसे अंग्रेज भी रखा करते थे, किसी भी क्षेत्र में रहते एक राजधानी उनकी ठंड वाले क्षेत्र में होती थी, दूसरी उनकी कहीं और होती थी। या हिमाचल प्रदेश का अगर घनत्व देखें तो यहाँ तो लगभग पूरा घनत्व तो ज़्यादा आ जाता है, लेकिन सिर्फ भरमौर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जनजाति के लोग आपने देखा 1818 किलोमीटर में फैले हुए, तो यहाँ का जो घनत्व है, जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो जनघनत्व मात्र और मात्र है 21 व्यक्ति पर किलोमीटर में यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। तो इस क्षेत्र में आज भी अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पर्वतीय योजनाएं जब चलाई गई, तो पर्वतीय योजना में हमने देखा, लक्ष्य योजना में पर्वतीय योजना 600 मीटर से ऊपर के पहाड़ों में चलाई गई थी, उनमें 15 जिले लिए गए थे। ठीक वैसे ही जैसे पर्वतीय योजना चली, वैसे ही इस क्षेत्र के विकास के लिए हम भरमौर योजना चली। इस भरमौर योजना में जो है पूरी तरह से भरमौर का जो क्षेत्र है उसका विकास किया गया। ये भरमौर जो क्षेत्र है इसको बसाने वाला जो व्यक्ति है वो है मेरू, क्या नाम है उसका, मेरू, यानी कि मेहरू वह व्यक्ति है जिसने, संस्थापक कह सकते हैं इसको हम, संस्थापक, इस क्षेत्र का संस्थापक है। और ये इतना प्यारा क्षेत्र है इसलिए इसकी तारीफ कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुरा भी कहा जाता है, और सबसे सुंदर नाम इसे माचू पिचू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुरा तो एक बहुत सुंदर नाम हो जाता है, और माचू पिचू और भी। यहाँ एक बहुत अच्छी नदी है, उस नदी का नाम है, नदी किसमें, इसमें, उस नदी का नाम है टुंडेन, टुंडेन ये बहुत अच्छी नदी है यहाँ की, इसका नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो ये कुछ बातें किसकी है, भरमौर क्षेत्र की, किसकी है, भरमौर क्षेत्र की। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, साक्षरता 1.5% हुआ करती थी, एक्चुअल आंकड़े भी देखेंगे अभी, मतलब जो बढ़कर 64-68 के आसपास चली गई, यानी सीधा ही पूरी बढ़ गई, मतलब जीरो के बराबर थी। तो बताओ वहाँ, आप ऐसे सोच रहे हैं यार सर 84 मंदिर है, लोग जाते होंगे, पर्यटन है, हर व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में घूमना चाहता है, फिर ऐसी वहाँ क्या समस्या है, ऐसी वहाँ क्या दिक्कत आ गई कि वो लोग गरीब रह गए। अशिक्षा है वहाँ भाई, सबसे बड़ी समस्या होती है अशिक्षा, शिक्षा का नहीं होना। और पहाड़ी क्षेत्र है पूरे हिमाचल प्रदेश में, बादल फटते रहते हैं बार बार, अभी कुछ समय पहले बादल फटे, 8 लोगों की मौत होगी। बादल क्यों फटते हैं हिमाचल प्रदेश में, क्या कभी आपने सोचा, वो इसलिए फटते हैं कि बादल उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं,
भारत के मोस्टली आप देखेंगे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बादल जाते हैं, दक्षिण से जब उत्तर की तरफ बादल जाते हैं तो हिमालय आ जाता है सामने, हिमालय की वजह से बादल आगे नहीं जा पाते तो वो इकट्ठे होते रहते हैं और ज़्यादा अनुकूलता होने के कारण वो वहीं फट जाते हैं। इसलिए अधिकतर आप देखते हैं कि सारे उन शहरों में हिमाचल उत्तराखंड उधर बाढ़ का बादल फटने के कारण माहौल खराब हो जाता है, तो यही कारण उसका रहता है। तो ये चीज़ आपने देखी समझी। टुंडे नदी की भी 84 मंदिर 1400 वर्ष पुराना है। चंबा जो है उससे भरमौर तहसील 60 किलोमीटर है। इसकी कई महत्वपूर्ण बातें, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को हमने देखने का प्रयास किया और सारी की सारी क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आगे अगर हम देखें तो एक एक चीज को बहुत डिटेल से अब हम करने वाले हैं। केस अध्ययन भरमौर क्षेत्र यानी केस डिटेल आपके सामने, पूरी फाइल लेके आया हूं मैं, है ना। समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम चला, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम यहां चलाया गया। जैसे पिछला हमने पर्वतीय विकास कार्यक्रम देखा, वो पर्वतीय विकास जो कार्यक्रम है पर्वतों के 15 जिलों में, उत्तराखंड जैसे कई जिले ऐसे हैं जहां 600 मीटर से अधिक क्षेत्र ऊंचे पहाड़ जो है, ऊंचे पर्वत जो है, उनके लोगों का विकास करने के लिए उस योजना को चलाएगा जिसको हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम जो मोस्टली भरमौर के लिए चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है? भरमौर के लिए। हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है जिसकी राजधानी पहली क्या है? शिमला। दूसरी कौन सी है? धर्मशाला। सर्दी के लिए शिमला, गर्मी के लिए। गर्मी में सर्दी ठंड अच्छी लगती है ना, इसलिए शिमला में रह जाओ, है ना। और ज्यादा ठंड होती है शिमला में तो धर्मशाला में चले जाओ, है ना। ये दोनों चीजें। जिला चंबा, तहसील भरमौर और होली की ये समन्वित योजना है और इस योजना के तहत भरमौर क्षेत्र में 21 नवंबर 1975 से, कब से चली है डेट याद रख लेना इसकी, 21 नवंबर 1975 में अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र की बात की गई। यानी ऐसा क्षेत्र, जनजाति और आदिवासियों का ऐसा क्षेत्र है। बताओ कौन सी जनजाति है यहाँ? गद्दी जनजाति, यानी गधिया लोग रहते हैं यहाँ। कौन रहते हैं? गधिया लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। 21 नवंबर 1975 में अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र जो है उसकी बात की गई। पहली बार इस क्षेत्र के लिए सोचा गया आजादी के कितने सालों बाद, 21 नवंबर 1975 में। इस क्षेत्र में हिमाचल, इस क्षेत्र की हिमाचल में अलग पहचान है क्योंकि बहुत सुंदर है, 84 मंदिर है, सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। आधारभूत संसाधन कम है, यहां से बात को समझना, आधारभूत संसाधन कम है। इसका मतलब यहां सब कुछ है लेकिन उन संसाधनों को काम में कैसे लिया जाए और लॉन्ग टर्म तक कैसे चलाया जाए। जैसे 6 महीने पर्यटक आ गए, कमा के खा लिया अच्छे से, लेकिन 6 महीने पर्यटक नहीं आए फिर क्या करेंगे? तो आधारभूत संसाधन का मतलब है कि स्थायी संसाधन नहीं है, रोजगार स्थायी दिखाई नहीं देता। जैसे कि एक चाय की जो थड़ी होती है और जो नाश्ता देता है वो सुबह सुबह उसके भीड़ होती है, फिर दिन में उसके कम भीड़ हो जाती है। लेकिन जैसे कोई गन्ने का जूस का थैला लगाता है, गन्ना जब आ रहा है 6 महीने तक मौसम के हिसाब से गन्ने का जूस बिकता रहेगा, 6 महीने फिर वो बिल्कुल ठाला बेटा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ का जो संसाधन है वो पूरी तरह से आधारभूत नहीं है और आधारभूत संसाधन वहाँ होता है जहाँ स्थायी तरीके से होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे सबसे प्यारे प्यारे बच्चों? आधारभूत संसाधन यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। पर्यावरण भंगुर, अगला क्या है? पर्यावरण भंगुर। यहाँ का पर्यावरण भंगुर का मतलब क्या है? पर्यावरण अच्छा नहीं है। और पर्यावरण यहाँ का बहुत अच्छा है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है ना। लेकिन दिक्कत क्या है? अचानक से बादल फट गए, भंगुर यानी तितर बितर कर देता है सबको। भंगुर यानी तितर बितर, टूटा फूटा सा मौसम रहता है। अभी साफ दिखाई दे रहा है और कुछ देर में बारिश आ गई, बारिश आता आते मौसम एकदम साफ हो गया, है ना। समझ में नहीं आया इन लोगों को, बाहर सोए अंदर सोए, कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। तो ये कहलाती है पर्यावरण भंगुर। ये चीज क्या कहलाती है? पर्यावरण भंगुर। आगे देखिए, इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति रहती है। मैंने कहा आपको गदिया लोग रहते हैं, गदिया, है ना। बताओ कौन से रहते हैं? गुलगुलू गदैया लोग। कौन से लोग? गदैया लोग, है ना। गुलगुले शब्द अच्छा है भैया ना, गुलगुले बोला जाए आपको, है ना। लाडले या गुलगुले बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। 2011 में गुलगुले कौन जानता है सबसे पहले ये बताओ? रसगुल्ले तो हम सब जानते हैं, गुलगुले क्या होते हैं ये कौन बताएगा आज, है ना। 2011 में यहाँ जनसंख्या 39,113 थी, मतलब सब लगभग 40,000 लोग थे यहाँ इस भरमौर क्षेत्र में। कितने? 40,000। 1818 किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्र है।
40,000 लोग यहाँ रह रहे हैं, जनगणना तो 2021 के आसपास आ रहा है, जनगणना तो 21 व्यक्ति प्रति वर्ग है, कितने 21 व्यक्ति प्रति वर्ग जनगणना तो यहाँ देखने को मिलता है। जलवायु कठोर है भाई साहब, क्लाइमेट कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, लेकिन मोस्टली हम ये देखते हैं कि जलवायु जो होती है वो कठोर है, यहाँ की क्या है कठोर है, मतलब एकदम से बादल फट गए, एकदम से मौसम साफ हो गया, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एकदम शांति सी हो जाती है, कुछ देर बाद बादल ऐसे गड़गड़ाने लग जाते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। तो भरमौर वाले और होली वाले हिमाचल वाले, हिमाचल प्रदेश की दो तहसीलें होली और भरमौर को हम देख रहे हैं, पक्का याद रखें। चंबा जिला है, कौन सा जिला है? चंबा। और इस क्षेत्र में मोस्टली सारी चीजें ऐसी है कि कभी तो मौसम भंगुर हो जाता है, कभी जलवायु कठोर हो जाती है, जो इनके पास व्यवस्थाएं हैं वो स्थायी नहीं है, यानी आधारभूत नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन, यहाँ के लोगों, देखो बात आ गई ना, हम इसी मुद्दे पर आना चाह रहे थे, आर्थिक रूप से पिछड़ापन नहीं है, मतलब फिर कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे यार हिमाचल का नाम सुनते ही तो दिल में ऐसे कि मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, फिर यार हिमाचल के लोग गरीब कैसे हो सकते हैं, इसका क्या कारण है? मौसम के अनुसार वह लोग घूमने आते हैं फिर नहीं आते हैं, वही गन्ने का जूस बेचने वाले की बात, ठीक है ना, जैसे पानी पतासे के थैले में ज़्यादातर लोग शाम को नजर आते हैं, दिन में वो फिर ही बैठा रहता है, ठीक उसी प्रकार से हिमाचल में 6 महीने लोग जाते हैं और 6 महीने नहीं जाते हैं, तो यहाँ आर्थिक पिछड़ापन छा जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इन भरमौर के जो गदिया जनजाति के लोग हैं, भरमौर जो सबसे सुंदर ब्रह्मपुरा के नाम से जाना जाता है, जिसे माचू पिचू के नाम से जाना जाता है, जिसे मेहरू ने बड़ी शांति से और आदर्श तरीके से बसाया था, इन आदिवासियों के लिए एक प्यारी सी योजनाएं चलाई जाए। मात्र 1818 किलोमीटर तो क्षेत्र है, 39,100 के आसपास, यानी समथिंग 40,000 लोग तो रह रहे हैं, 21 लोग 1 किलोमीटर में यहां रह रहे हैं, इस क्षेत्र का विकास किया जाए, इस क्षेत्र के बारे में सोचा जाए। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सोचा गया इस क्षेत्र के बारे में और क्या प्लानिंग करेंगे, देखिए यहां लोग क्या करेंगे, लैपटॉप चलाएंगे नहीं, ये करते हैं यहां पे लोग, चला आने वाले समय में तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन मुख्य व्यवसाय पिछड़ा है, इसका मतलब पिछड़ा है मतलब प्राथमिक व्यवसाय चल रहा है, जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है इसका मतलब वहां प्राथमिक व्यवसाय चल रहा है, क्या चल रहा है? प्राथमिक व्यवसाय। ये लोग भेड़ बकरी का पालन करेंगे और कृषि करेंगे, भेड़ बकरी का पालन करेंगे और खेती बाड़ी करेंगे, भेड़ पालेंगे और खेती करेंगे, भेड़ पालेंगे और कृषि करेंगे, क्योंकि पशुपालन और कृषि साथ साथ चला करती है। मोस्टली बताओ यहाँ कौन सी कृषि होगी? स्थानांतरित कृषि होगी, जो स्थान बदल बदल के की जाती है, जिसे हम जूमिंग भी कहते हैं, है ना, और पहाड़ के ऊपर जाके की जाती है तो ची माता कहते हैं, और निचले स्थानों पर की जाती है तो दजिया कहते हैं। ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत डिटेल से, 11th में भी पढ़ चुके हैं आप मेरे से, है ना, एक 11th के बच्चे बहुत टेंशन में, आपका साथी कोई 11th में हो तो उसको कह देना, बहुत जल्द 11th के क्लासेस शुरू हो जाएगी, है ना, तंग होते रहते, परेशान होते रहते, दुखी होते रहते, कमेंट बॉक्स में जोर दिखाते रहते हैं ना, और आधे बच्चे आप में से 12th वाले बहुत कम पढ़ रहे हैं दोनों, बहुत कम, है ना, एक स्पेशल मैसेज दूंगा आपको। समन्वित पांचवी पंचवर्षीय विकास प्रक्रिया 1974 से शुरू हुई, भेड़ बकरी और कृषि करते हैं ये सब लोग, पांचवी पंचवर्षीय योजना में उपयोजना तैयार की गई, यानी इन लोगों के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में, मुख्यतः पांचवी पंचवर्षीय जब योजना चली थी उस समय इनके बारे में विकास की बात हुई। समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम ITDP का दर्जा प्राप्त है, यानी कि इस योजना को ITDP का दर्जा प्राप्त है, यानी कि पूरी एग्रीमेंटली लिखित योजना है, इसका लक्ष्य नियोजन किया गया है। क्या किया गया है सर? ये लक्ष्य नियोजन क्या है? कल ही तो पढ़ा था, लक्ष्य नियोजन का मतलब होता है एक प्लानिंग के तहत किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर जो योजना बनाई गई है उसका पूर्ण रूप से विकास करते हुए टारगेट को, उद्देश्य को, सरोकार को पूरा करना और वहां की समस्याओं से लड़ना, ये क्या कहलाता है? नियोजन, लक्ष्य नियोजन विकास, है ना, समन्वित योजना ITDP में डाली गई। इसे हिमाचल के माचू पिचू के नाम से भी जाना जाता है, भरमौर क्षेत्र को। किसको जाना जाता है माचू पिचू के नाम से? इस योजना को नहीं, इस भरमौर क्षेत्र को माचू पिचू के नाम से जाना जाता है। भरमौर का एक नाम ब्रह्मपुरा भी देखने को मिलता है। बताओ पहली स्लाइड महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। भरमौर योजना का उद्देश्य क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं गरीबी को मिटाना, शिक्षा को लाना, अशिक्षा को खत्म करना, बेरोजगारी को खत्म करना, रोजगार को लाना,
उसको भगाना और इसको लाना, किसको, अशिक्षा को भगाना और शिक्षा को लाना, बेरोजगारी को खत्म करना और रोजगार को पैदा करना, चिकित्सा व्यवस्थाओं की अच्छी व्यवस्थाएं करना, यहाँ के लोगों को रोजगार देना, बकरी पालन और कृषि पालन से ऊपर उठाकर टेक्नोलॉजी से जोड़ना, कब सीखेंगे ये इन चीजों को, इसलिए यहाँ पे अच्छी सी व्यवस्था की गई। बाल विवाह को रोक दो, साक्षरता को बढ़ा दो, साक्षरता बढ़ेगी तो बाल विवाह अपने आप ही रुक जाएगा। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है बाल विवाह रोक दो और 30 साल तक शादी मत करो किसी की, है ना, ऐसी योजना नहीं बननी चाहिए, सब दुखी हो जाएंगे। ये कौन था जिसने ये मॉडल दिया कि 30 साल तक शादी नहीं करनी चाहिए, 25 वाला प्रोग्राम तो आने वाला है, ठीक है ना, आधे लोग कह रहे सर हम फटाफट शादी कर लेंगे, जब तक ये प्लान आएगा ना तब तक हम सारे प्लान फेल कर देंगे, क्योंकि जनसंख्या में एक नंबर पे तो भारत है ही, अब कहाँ ले जाओगे, ब्रह्मांड में एक नंबर पे है पूरे में, है ना, ठीक है ना। हाँ, जीवन स्तर सुधार करना है, भ्रमोर योजना क्यों बनाएगी इस 1818 किलोमीटर के क्षेत्र में जहां 21 लोग पर किलोमीटर में रह रहे हैं, इस 39,100 के आसपास जनसंख्या वाले क्षेत्र में इस ब्रह्मपुर नाम के और माचू पिचू नाम के इस प्यारे से भ्रमोर होली क्षेत्र जो हिमाचल का बहुत प्यारा क्षेत्र है, कहाँ जरूरत पड़ गई नवंबर 1975 में पांचवी पंचवर्षीय योजना में 74 से इसकी प्लानिंग होने लग गई, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, यहाँ अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने की जरूरत पड़ गई, इसके अलावा भी यहाँ पीने के पानी की समस्या है, बाल विवाह की दिक्कत है, साक्षरता 1.5% हुआ करती थी जिसको 64-68 के आसपास ले गए, आदि चीजें यहाँ देख रहे हैं हम। जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा, सबसे पहले इनका जो जीवन है वो रहन सहन इनका है उसको सुधारा जाएगा, सबसे पहले गुलगुले क्या किया जाएगा, इनकी जीवन स्तर को सुधारा जाएगा, इनका जीवन बेहतरीन बनाया जाएगा, इनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान कराया जाएगा, इन्हें लैपटॉप चलाना लूडो खेलना सिखाया जाएगा, यानी इनका जीवन स्तर सुधारा जाएगा, है ना। ये स्कूल भी खोल दिया यहाँ पे, विकास अंतर दूर करना, यानी एक क्षेत्र तो बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है, एक क्षेत्र दबाए जा रहा है ना, यानी कि वही बात है, गरीब गरीब रहता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो उस क्षेत्र का विकास करना जो किसी कारण से पिछड़ रहा है। परिवहन विकास, यहाँ मतलब सड़कें ऐसी है कि गलियों में से टूटी फूटी पहाड़ों में से, मतलब गलियां तो क्या कहूँ, तो उन सड़कों का विकास करने की बात इसमें कही गई, इसे कहा गया परिवहन। संचार ज्ञान, यहाँ जियो का टावर ही नहीं आता, नेटवर्क ही नहीं आता ना, तो संचार का ज्ञान इन लोगों को कराना और ये सारी सुविधाएं, संचार की ज्ञान कराने से भी कुछ नहीं होता, मुझे कोई कह दे कि भाई ऐसा होता है मोबाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ऐसे देखा जाता है, इसके अंदर ढेर सारे फंक्शन होते हैं, मुझे लाके इसका मॉडल दिखा दिया, ये मोबाइल होता है, इसको ऐसे चलाया जाता है, इससे बात होती है, फिर मोबाइल वापस ले गए। सुविधाएं संचार के बारे में तो मुझे बता दिया, लेकिन संचार से संबंधित कोई बातें ही, संचार से संबंधित व्यवस्थाएं मेरे को दी नहीं, तो संचार का ज्ञान कराते हुए इनको वो सारी सुविधाएं देना जो इनको चाहिए, इनको वो सारी सुविधाएं देना जो इनको चाहिए। विद्यालय विकास, नए नए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर खिलौने वाले, खिलाने वाले, पढ़ाने वाले स्कूल खोला जाए, और सबसे बड़ी बात टीचर बाहर से लाए, अन्य स्टेटों से, केरल जैसे राज्य जो अच्छे पढ़े लिखे राज्य हैं वहां से लाके टीचर लगाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस स्कूल में टीचर लगा देंगे तो वो उतना ही बताएंगे जितना उन बच्चों को पहले से आता है, समझ गए नहीं समझ गए, इसलिए टीचर बाहर से लाओ जहाँ अच्छे पढ़ाते हैं टीचर, है ना। तो ऐसा अक्सर होता है, जैसे कि उस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्रोवर्सी वाला मुद्दा हो जाता है, लेकिन आरक्षण जैसी संबंधित चीजें, जनजातीय लोगों को एक आरक्षण मिला करता है, उसके तहत वो सिलेक्ट हो जाते हैं, 5-6 नंबर लाते ही सिलेक्ट हो जाते हैं, और फिर उसी क्षेत्र में वो टीचर बन जाते हैं, तो वो कुछ पढ़ा नहीं पाते बच्चों को, जो कि एक विडंबना की बात है। विद्यालय विकास करे, पेयजल का सुधार करे, यानी पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करें, घर घर में बिस्लेरी का बोतल नहीं देना है, लेकिन उनको बता दे कि पेयजल को साफ रखा जाए, पेयजल मतलब पीने वाला पानी, है ना, ठीक है। विद्युत व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था करो, कब तक अंधेरे में ये छिपकली को सलाह समझकर खाएंगे, है ना, तो विद्युत व्यवस्था भी की जाए, क्या की जाए, विद्युत व्यवस्था। साक्षरता को बढ़ाया जाए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, साक्षरता का मतलब होता है अक्षर ज्ञान, और भारत में इसकी परिभाषा है 7 वर्ष से ज्यादा बच्चों को, 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, कह कह आना चाहिए, साक्षरता कहलाती है। बाल विवाह तो बिल्कुल रोक दो, 14-15 साल का बच्चा हुआ और जब तक भारत में एज रखी गई है 25 साल, जब तक तो वो आया सावण और पूजा नावण वाला मामला हो जाता है, ठीक है ना। लिंगानुपात, ये स्तर सुधारनी चाहिए, ये तो पूरे देश की समस्या है, लिंगानुपात सिर्फ भरमौर की समस्या नहीं है, पूरे देश में भरमार लिंगानुपात की कम पड़ रही है ना, तो ये समस्याएं जो है इन पर यहाँ बात करने के लिए भरमौर योजना चलाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही जरूरी योजना है, भरमौर अपने आप में एक विशिष्ट क्षेत्र है और इसके लिए ऐसी योजनाओं का होना जरूरी है।
ये क्षेत्र 32 डिग्री 11 उत्तर से 32 डिग्री 14 उत्तर अक्षांशों तथा 76 डिग्री 12 पूर्वी और 76 डिग्री 53 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। ये भारत की जैसे स्थिति होती है ना, जैसे भारत इस प्रकार से है ना, तो भारत इधर से कौन से देशांतर में, इधर से कौन से अक्षांश में, ठीक वैसे ही इसके लिए कहा गया है कि ये 32 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश ये दोनों, तो देखो ये आड़ी वाली जो रेखा होती है ये अक्षांश होती है। तो एक रेखा, तो जैसे मानो इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लेते हैं भरमौर, क्या मान लेते हैं इसको, भरमौर क्षेत्र। ये जो भरमौर क्षेत्र है ये अक्षांश होगी आड़ी वाली, और खड़ी वाली क्या होगी, देशांतर, 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 ठीक है ना, चल नहीं रहा ये देशांतर, इधर कम चलता है थोड़ा, है ना, और भरमौर, देशांतर और भरमौर ये दोनों आपको दिखाई दे रही है। अभी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आड़ी वाली को देख लो, फिर खड़ी वाली को देख लो, अक्षांश और देशांतर को हम देखते हैं। तो 32 डिग्री से 32 डिग्री 41, 32 डिग्री 11 से तो 32 डिग्री यहाँ आएगा, 32 डिग्री, 32 डिग्री कितना है 11, और यहाँ पे आएगा 32 डिग्री 14, ठीक है ना, ये अक्षांश और देशांतर इस प्रकार से इसका देखा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है और समझनी होती है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको यूं ही मैप रफली लिया है मैंने, इसका इतना पूछा नहीं जाता है कि किस अक्षांश में होता है, ये तो बुक में दे रखा है तो मैंने कहा बता ही दिया जाए आपको, नहीं तो आप फिर कमेंट करते रहोगे सर कुछ छोड़ दिया आपने, है ना, ठीक है। तो ये इसका अक्षांश और देशांतर। ये प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 1818 किलोमीटर में है, 39,100-150 के आसपास इसकी जनसंख्या है। भरमौर एक बहुत प्यारा क्षेत्र है, इसके पास ही होली पड़ता है, 84 मंदिर है यहाँ पे, 1400 वर्ष पहले बन गए, मेरू ने इसकी स्थापना की थी, 21 लोग प्रति व्यक्ति यहाँ पे है, 1.5% यहाँ का साक्षरता था जिसको बढ़ाकर 64-68 तक हम ले गए, ठीक है ना। 1500 मीटर से इसकी अधिकतर भाग समुद्र तल से 1500 से 3700 मीटर ऊंचा है, 1500 समुद्र तल से, समुद्र के नीचे फीता लेके गया कोई नापने के लिए, नहीं, समुद्र तल वो नहीं है जो लास्ट है समुद्र का तल, समुद्र तल वो है जहाँ हवा और पानी मिल रहे हैं, यानी कि तालाब जो होता है ना उसमें आप डुबकी लगाते हो जहाँ डूब की आवाज आती है वही तालाब का तल है, तो समुद्र का ही वही होगा ना, समुद्र तल है ना। पहले मैं सोचता था यार कौन तो अंदर जाता होगा, कौन अंदर जाके फीता पकड़ता होगा, कौन बाहर से उसको कहता होगा कि भाई नीचे पकड़ लिया क्या फीता, वो कहता हाँ साहब नीचे पकड़ लिया फीता, आवाज कैसे जाती होगी पानी के अंदर से, ईयरफोन लेके जाता होगा। बचपन में ऐसे ढेर सारे सवाल आते थे, जबकि बाद में पता था समुद्र तल वो नहीं है जो पानी के अंदर है, समुद्र तल तो वो है जहाँ हवा और पानी दोनों मिल रहे हैं, जहाँ हम नहाते हैं तो डूब की आवाज आती है वो समुद्र तल है। ऐसी कई चीजें मुझे बहुत लेट जाके पता चली। ज्वार भाटा, मैंने कहा कि यह ज्वार एक फसल होती है, उसको भाटे के साथ बांध के पानी में फेंकते होंगे, जबकि बाद में पता था ज्वार तो पानी का उठना है और भाटा वापिस आना है, भाटा होता पत्थर हमारे राजस्थान में, है ना। तो ये कुछ चीजें मेरे को परेशान करती ही रही जिंदगी भर, जैसे नील आर्मस्ट्रांग को परेशान करती रही क्योंकि वो बुढ़िया कहती रही जिंदगी भर, है ना, दादी दादा आज भी कहते रहे कि चांद के ऊपर एक बुढ़िया सूत काट रही है, बुजुर्ग महिला सूत काट रही है। नील आर्मस्ट्रांग गया बेचारा, सोचा पानी वगैरह पी लेंगे, वहां जाते ही बेहोश हो गया, बोला बुढ़िया ने मरा दिया यहाँ पे, है ना, तो वहां कोई नहीं, वहां पत्थर है और कुछ भी नहीं है वहां पे, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें, गदियों औसत ऊंचाई कितनी है 1500 मीटर से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है अपने आप में। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि गदियों के आवास भूमि कहलाए जाने वाला ये क्षेत्र चारों दिशाओं में ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। गदिया जनजाति यहाँ रहती है और पहाड़ियां हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब पहाड़ी पहाड़ है तो किससे घिरा रहेगा, ये पर्वतों से ही घिरा रहेगा, तो मोस्टली यहाँ पर्वत ही देखने को मिलते हैं। आगे देखिएगा, इसके उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, भरमौर क्षेत्र के उत्तर की तरफ आप जब जाते हैं तो आपको पीर पंजाल नजर आती है, दक्षिण की तरफ आप जब जाते हैं तो आपको धौलाधार पर्वत नजर आता है। कैसे याद करना है, उत्तर में जब गए भरमौर से तो पीर पंजाल नजर आया, दक्षिण में जब नीचे की तरफ देखा तो धौलाधार नजर आया, ऊपर पीर पंजाल और नीचे धौलाधार, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, तो पीर पंजाल और नीचे दक्षिण की तरफ धौलाधार। पूर्व में धौलाधार श्रेणियों का फैलाव रोहतांग दर्रे पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। पूर्व तक धौलाधार फैली हुई है, यानी पूर्व तक इस प्रकार से ऊपर क्या थी पीर पंजाल, नीचे क्या थी धौलाधार, तो धौलाधार नीचे से इस प्रकार से फैली हुई हूं, तो पूर्व के क्षेत्र को कवर करेगी कि नहीं करेगी,
नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो क्या करें ना, एक बार और समझा देते हैं। दक्षिण में धौलाधार है, उत्तर में पीर पंचाल है, ये क्या कह रहा है? धौलाधार श्रेणी का फैलाव पूर्व में भी है। तो धौलाधार अगर नीचे की तरफ है मतलब दक्षिण की तरफ है तो यूं तिरछी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इधर दिखेगी, और ये इधर वाली पीर पंचाल पश्चिम की तरफ दिखेगी। इस क्षेत्र में रावी, इसकी सहायक नदियां बुडिल और टुंडेल नदी की तो बात हम पहले ही कर चुके हैं, मोस्ट है टुंडेल, एक और है बुडिल नदी। कौन सी नदी? यानी कि भरमौर क्षेत्र के उत्तर में पीर पंजाल और दक्षिण में धौलाधार, दो तो पहाड़ियों के नाम, और दो नदियां बुडिल और टुंडेन देखने को मिलती है। बुडिल और टुंडेन देखने को मिलती है। 1818 क्या है, 21 व्यक्ति क्या है, 40-39,100 के आसपास व्यक्ति क्या है, 65%, 68%, 64% यहाँ पे क्या हो गया, और ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कौन सी जनजाति यहाँ रहती है, एक एक चीज मैं पूछने वाला हूं आपसे, है ना। गहरे माखंडों का निर्माण करती है ये नदियां, यहाँ उफन उफन के लहरा लहरा के चलती है, और यहाँ पे गुलगुले ये खड्डे ही खड्डे कर देती है। क्या कर देती है? खड्डे खड्डे। आगे देखिए, ये नदियां इस पहाड़ी प्रदेश को चार भूखंडों में बांट देती है। इस भरमौर का पूरा हिमाचल प्रदेश का तहस नहस कर देती है, चार खंड बना देती है नदियां। कौन सी? टुंडेन और बुडिल। नाम उसका बुडी है लेकिन काम खतरनाक युवावस्था वाले करती है। क्या करती है? होली को अलग कर देती है, खणी को अलग कर देती है, कुंगती को अलग कर देती है, दूडा को अलग कर देती है, दूडा को अलग कर देती है, कुंगती को अलग कर देती है, खणी को अलग कर देती है, और होली को अलग कर देती है। चार भाग बना देती है। कितने भाग बना देती है? चार भाग। शरद ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ती है। शरद ऋतु में भरमौर, अब ये तो पड़ेगी साहब ठंड, हिमाचल, हिम का आंचल मतलब बर्फ का घर, आंचल मतलब माँ का, जैसे आंचल होता है बच्चे के लिए अपना घर है, सबसे पहला घर है आंचल माँ का, हिम यानी बर्फ, तो हिमाचल। कड़ाके की सर्दी पड़ती है भाई साहब, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, देखो आप बर्फ ही बर्फ दिख रही है आपको, बताओ यहाँ गर्मी लगेगी किसी, ठीक है ना। जैसे एसी चल रही है वहाँ जरूरत ही नहीं होती एसी वैसी, क्या ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक स्टूडियो वहीं लगा दे, वह जाके सर को बोलूंगा है ना, एक स्टूडियो वहीं लगा दे, आराम से ओपन क्लास ले सकते हैं, गर्मी होती नहीं है, ठीक है ना। जनवरी में यहाँ औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से जुलाई में 26 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जुलाई, बताओ जुलाई में इसकी राजधानी कौन सी रहेगी, और जब सर्दी है तब कौन सी रहेगी? जब सर्दी है ठंड है मतलब धर्मशाला, और जब गर्मी है तो ठंड में जाना है मतलब शिमला। तो दो राजधानी हमने शुरू में देख ली थी, है ना, कोई आगे इसको आगे लेके वीडियो को देख रहा है तो वो पीछे जाकर देख ले, ठीक है ना, दोनों बता चुके हैं। आगे देखिए, तो यह THANKYOU थैंक यू होता है, और इसके नीचे रेड का बटन आ ही रहा होगा सब्सक्राइब, वो आपको करके ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई अच्छे से करना आपको। आप लोगों की शिकायत है कि बहुत कम पढ़ रहे हैं आजकल आप, जिसमें काफ़ी बच्चे जो 11th में थे बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, अशोक देवासी जैसे बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन आजकल जो पूजा चौधरी भी एक बच्ची जो 11th से जुड़ी हुई कम पढ़ रही है, एक राधा मंडल नाम का बच्चा है वो काफ़ी अच्छा पढ़ रहा है, हर वीडियो पर उसका कमेंट आता है। तो मैं, आप चाहते हो कि मैं अगली बार आपका भी पढ़ने वालों में जिक्र करूँ, तो मुझे तो कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो लर्न एंड शेयर का जो आर्ट्स का चैनल है उसको पक्का ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगले 4th लेक्चर में बड़े ही मज़ेदार तरीके से, मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।